ये है अमृतसर का रेलवे स्टेशन। ये आज का नहीं है, आने वाले दिनों में इसी तरीके का रेलवे स्टेशन बनेगा, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, जिसमें कमर्शियल स्पेस भी होगा, साथ ही साथ एयरपोर्ट की तरह सुविधाएं भी होंगी, और आसपास का जो कंजेशन है उसको भी पूरी तरीके से हटाया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके का स्टेशन होगा, और इसमें एग्जिट और एंट्री दोनों अलग अलग होंगी, और बेहतरीन सुविधाओं के साथ इसको तैयार किया जा रहा है। 300 करोड़ रुपए की लागत से इसको रीडेवलप किया जाएगा। कैसा बनेगा रेलवे स्टेशन, ये जानने के लिए हमने IRSDC के चेयरमैन संजीव लोहिया से खास बातचीत की। अमृतसर रेलवे स्टेशन को नए तरीके से डेवलप करने का प्लान बन चुका है। यहाँ पर उसका मॉडल है, आप देख सकते हो किस तरीके का मॉडल है। और इस डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं IRSDC के चेयरमैन संजीव कुमार लोहिया जी। संजीव जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। किस तरीके का स्टेशन बनेगा, ये मॉडल तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है। ऐसा है, अमृतसर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और जितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स वहाँ पे हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका पूरा रीडेवलपमेंट का एक नक्शा तैयार किया गया है। और अगर आप देखें इसमें तो जो उस तरफ हमारा GT रोड है, GT रोड की तरफ मेन एंट्रेंस है, और ऐसे मेन एंट्रेंस उधर है, मेन एंट्रेंस सर उधर ही चलते हैं हम लोग। तो मेन एंट्रेंस जो है अगर आप देखेंगे तो उसका अलग तरीके का डिज़ाइन किया गया है, चीज़ें अलग तरीके की रहेंगी। यहाँ देखिए मेन एंट्रेंस किस तरीके का बनाया जा रहा है। और तो सर ये जो एरिया कितना है अगर अमृतसर के जिसको डेवलप करना है आपको? एरिया ऐसा है, जितना भी हमारा वो सर्कुलेटिंग एरिया जो वहाँ पे ज़मीन काफ़ी है हमारे पास, क्योंकि काफ़ी पुराना टर्मिनस हो रहा है। तो स्टेशन का अभी एंट्रेंस इस तरफ है, जो अभी एग्जिस्टिंग स्टेशन बिल्डिंग बनी हुई है वो छोटी सी इस तरफ है, उसके बगल वाला एक ये रोड ओवरब्रिज जाता है उस तरफ हम एक कमर्शियल डेवलपमेंट करेंगे। जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं वो इस कमर्शियल डेवलपमेंट के थ्रू भी स्टेशन में एंटर कर सकते हैं। और ये देखें आप, ये जो रोड जा रही है ये ड्रॉप ऑफ बेस है ना टैक्सी, तो ये सीधा सीधा इधर से भी अंदर जा सकते हैं। तो अगर आपको कमर्शियल एरिया के थ्रू जाना है तो कमर्शियल एरिया से भी स्टेशन कनेक्टेड होगा, और अगर आपको डायरेक्टली जाना है तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। तो जिसको अगर आके वेट करना है कुछ करना है तो कमर्शियल एरिया में भी जा सकते हैं। मतलब ये कमर्शियल एरिया है, यहाँ पर मॉल होंगे, सिनेमा हॉल होंगे, इस तरह की चीज़? हाँ, कमर्शियल डेवलपमेंट में इसमें एसेंशियली फूड कोर्ट है और ऑफिस हो सकते हैं, तो मेनली इस तरह की चीज़ें होंगी, और कुछ पैसेंजर फैसिलिटेशन इसके अंदर होटल जैसे है उसका रिक्वायरमेंट होगा, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर होंगी। और सर ये पूरा पब्लिक प्लेस बनाया है, यहाँ पर आर्किटेक्ट ने जो कंसीव किया है, तो उन्होंने जैसे सिख आर्किटेक्चर में एक सरोवर एक इम्पॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर उन्होंने वाटर बॉडी क्रिएट किया है, जो सिख आर्किटेक्चर का जो स्वाड होता है उस तरह का उन्होंने वो यहाँ पर क्रिएट किया है। उनके जो पिलर्स हैं तो वो सारा उन्होंने एक सिख आर्किटेक्चर को लोकल कॉन्ट लेते हुए इसमें उन्होंने एक इसको कंसीव किया कि किस तरह का जो है ये वेलकमिंग पूरा स्टेशन बिल्डिंग है। तो ये कमर्शियल एरिया होगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ये बस स्टॉप होगा, ये बस स्टॉप है, और ये किस एंड राइड, इसका क्या मतलब है किस एंड राइड? ये पार्किंग एरिया है, तो अगर लोगों को जैसे ओला उबर या इस तरह की चीज़ें तो वो उनको पिकअप करनी है ऑटो रिक्शा, तो वो यहाँ पर आके हम पिकअप कर सकते हैं। जो पार्किंग है वो पार्किंग अपना इस तरफ कर सकते हैं, जो बसेस हैं वो बसेस यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, यहाँ से फिर लोग सीधा सीधा कमर्शियल एरिया के थ्रू होते हुए स्टेशन बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं। तो सर जो स्टेशन है प्लेटफार्म है वो एरिया जो है ये वाला एरिया, हाँ, ये पूरा एरिया जो प्लेटफार्म का एरिया है उसमें अगर आप देखें अंदर एक कॉन्कोर्स नजर आ रहा है ट्रैक के ऊपर, तो काफी वाइड कॉन्कोर्स है, तो जो पैसेंजर्स अभी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंतजार करते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर इंतजार करने के बजाय उस कॉन्कोर्स एरिया पर हम इंतजार करेंगे। और उसके पूरा अगर आप देखें सारे ट्रैक्स जितने भी हैं करीब 12 प्लेटफॉर्म रेलवे ने जितने फ्यूचर के अंदर ट्रेन चलेंगी उसके हिसाब से उन्होंने प्लान किया, तो उसके ऊपर पूरा पूरा कवर रहेगा ताकि एनवायरमेंट से उनकी वेगरीज और वेदर से सारे लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे और एक बहुत ग्रैंडनेस की पूरी फीलिंग आएगी। तो ये मेन एंट्री होगी, और उसी तरह से एक दूसरी एंट्री उधर भी बनेगी। तो उस तरफ अभी जो जमीन है वो थोड़ा BSNL और उनके पास जो रेलवे की जमीन है वो भी उनसे बातचीत चल रही है। अभी वो जो एंट्री हम फेज वन के अंदर बनाएंगे वो थोड़ा छोटा बनाएंगे, जब वहाँ से लैंड का मिलने का हो जाएगा तब फिर एग्जैक्टली जैसा ये है ना उसी तरह का दूसरी तरफ भी बन जाएगा। तो सर ये जो इलाका है भव्य हो जाएगा, सारी चीज़ें ठीक, लेकिन इसमें पैसा कितना लग रहा है?
अमृतसर स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट की कॉस्ट पूरी हमने आकी है लगभग 300 करोड़ करीब ऐसा इसमें करीब। तो सर ये 300 करोड़ आएगा कहाँ से? 300 करोड़ जो पैसा है वो दो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होंगे, एक रियल एस्टेट और दूसरा यूजर चार्जेस। तो जो पैसेंजर टिकट्स हैं, पैसेंजर टिकट पे जैसे आप देखें बाकी सेक्टर्स में भी होता है, एयरपोर्ट है चाहे हाईवे से, तो यूजर जो है आप जब एक बार स्टेशन रीडेवलपमेंट हो जाएगा तो उनके टिकट के साथ एक यूजर चार्जेस भी होंगे जिसका भी नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने करना है। तो वो दोनों सोर्सेस इसके डेवलपर के लिए कंसेशनर के लिए वो रेवेन्यू सोर्सेज होंगे। और एक तीसरा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जो स्टेशन का जो रेवेन्यू है वो जितना पार्किंग है, कियोस्क स्टॉल्स हैं, एडवर्टीजमेंट है, प्लेटफॉर्म टिकट्स है, तो ये सारा रेवेन्यू भी उसके पास जाएगा जिससे वो O&M करेगा स्टेशन। तो सर कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इसका जितना कमर्शियल एरिया है वो उसका जो काम है वो किसी प्राइवेट हाथ में रहेगा और बाकी जो ट्रेन का संचालन है वो एज इट इज रेलवे के हाथ में रहेगा। ऐसा अगर इसको बिल्कुल टेक्निकल भाषा में बोलें या लेमैन की दोनों की, तो कोर फंक्शंस जो रेलवे के हैं वो है ट्रेन चलाना। तो जो ट्रेन चलाने वाला काम है, ट्रेन के ऑपरेशन का, ट्रैक मेंटेनेंस का, सिग्नलिंग का, वो सारा काम रेलवे के पास रहेगा। और जो बिल्डिंग से रिलेटेड काम है ये नॉन कोर फंक्शंस हुए, वो काम जो है प्राइवेट सेक्टर के पास होगा जो कंसेशनर है। तो अभी भी ये सब चीज़ें आप जैसे रखरखाव जितना करते हैं, हाउसकीपिंग करते हैं, आप AMCs करते हैं, जो लिफ्ट हैं, एस्केलेटर्स हैं, लाइट्स हैं, अनाउंसिंग सिस्टम है, वो सारा का सारा किसी न किसी प्राइवेट के थ्रू आप मेंटेन करते हैं। तो वो सब इंटीग्रेटेड हो गया ताकि एक इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो पूरा पूरा जो है उसको स्टेशन को चला पाएगा, तो उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो सर कितना वक्त लगेगा इसको बनने में? लगभग 3 साल के करीब अपॉइंटेड डेट के बाद। तो इसमें काम शुरू हो गया कुछ? अभी इसका हमने RFQ जो है वो इनवाइट किया हुआ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी डी उसको हेड करते हैं, तो उनके अप्रूवल से हमने RFQ रिकॉल किया, कल उसकी प्री बिड मीटिंग थी। इस स्टेशन के साथ 3 स्टेशन और भी हैं, उनका भी हमने RFQ कॉल किया था, जिसमें नागपुर है, साबरमती है और ग्वालियर और अमृतसर। तो ये 4 स्टेशन की कल प्री बिड मीटिंग थी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, काफ़ी सारे फंड्स और डेवलपर्स ने पार्टिसिपेट की। तो अभी वो प्री बिड खुलने की डेट 6 फरवरी की है, कुछ लोगों ने एक्सटेंशन भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया। अभी अवार्ड इसके बाद RFP करेंगे, तो RFP अवार्ड करते वक्त कुछ महीने और लगेंगे, तो लगभग अगस्त सितंबर तक अवार्ड हो जाना चाहिए। उसके बाद 4-6 महीने लगते हैं फाइनेंशियल क्लोज और ये सारा कंडीशन प्रेसिडेंट होने में, उसके बाद एक्चुअल फिजिकल वर्क ग्राउंड के ऊपर जिसको कहते हैं वो शुरू होता है, तो बाई एंड ऑफ दिस ईयर मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर में शुरू हो जाएगा काम चालू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेशन डेवलप किया जा रहा है और उसका पूरी प्लानिंग कर ली गई है। और ये सबसे खास चीज इसमें यह है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे एक एयरपोर्ट की तरह फील देने की कोशिश की गई कि भाई जिन लोगों को इंतजार करना है उनके लिए कॉन्कोर्स में इंतजार करें और निकलने का अलग रास्ता होगा और हम कह सकते हैं ट्रेन पर सवार होने का अलग रास्ता होगा। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश की जा रही है क्योंकि आने वाले समय में आबादी भी बढ़ेगी, लोग भी बढ़ रहे हैं, लोगों की जेब में पैसा भी आ रहा है, तो लोग सहूलियतें चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सहूलियत देने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है और उसका एक पूरा प्लान बनाया जा रहा है। ये न्यू इंडिया का प्लान है, आने वाले दिनों में अगर जैसा प्लान किया जा रहा है उस हिसाब से अगर स्टेशन डेवलप हुए तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इसमें रेलवे का कायापलट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ तमाम लोगों को बेहतरीन सुविधाएं भी मिल पाएंगी। कैमरामैन शुभम के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।